नमस्कार दोस्तों, जीरो माइल किचन चैनल में आज फिर से स्वागत। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ चार सब्जियां ली हूँ, फूल गोभी, गाजर, गाजर एक है और एक आलू है और ये चुकंदर है। तो चुकंदर हम इसमें डालेंगे, थोड़ा कलर अच्छा है और टेस्ट भी बढ़ जाती है। तो आइए सबको हम बॉयल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कुकर लेंगे और इन चारों सब्जियों को इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक कप लगभग पानी और थोड़ा सा अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम चार से पांच सीटी लगा लेंगे। तो चार से पांच सीटी आने तक हम वेट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पांच सीटी लगभग हो गया है। देखिए गैस भी अच्छे से इसका निकल गया है। अब कुकर को ओपन कर देंगे। ये देखिए हमारा सब्जी भी पक के रेडी हो गया। मैं इसे ज्यादा नहीं निकलाना था। ये सब्जी का जो हमारा पानी है ना, उसको फेंकना नहीं है, इसी में रहने देना। और तो अब इसको इस तरह से स्मैश कर लेते हैं, सारे सब्जियों को एक साथ कर लिए हैं। अब चलते हैं हम गैस की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई भी हमारा थोड़ा सा हीट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल और एक चम्मच हम डाल देंगे बटर। बटर और तेल का कॉम्बिनेशन जो भाजी हमारा बहुत टेस्टी लगता है। और इसको थोड़ा इस तरह से घुमा देंगे ताकि बटर भी हमारा जो है फूल जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा जो है अच्छे से हमारा भून जाए और धीरे धीरे बटर भी हमारा जो है पिघल जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम लो फ्लेम पे एक मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी हम एक बारीक कट कर ली हूँ, इसको भी इस तरह से 30 सेकंड भून लेंगे। ये हमारा शिमला मिर्च भी फ्राई हो गया। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सबको एक मिनट के लिए इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट एंड मसाले को इस तरह से पका लेंगे एक मिनट तक। ये हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ बारीक टमाटर, इसको भी इस तरह से मिक्स करते हुए सबको चला लेना है और एक मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे ताकि सारे सब्जी हमारे अच्छे से गल जाए। एक तरफ जब तक ये हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम दूसरी तरफ गर्म होने के लिए पानी रख देंगे। पाव भाजी में हम गर्म पानी ही ऐड करेंगे, नहीं तो पाव भाजी का कलर एंड टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमारा टमाटर और शिमला मिर्च एंड प्याज तीनों एक साथ मिक्स हो गया है। अब इसको हम स्मैशर से इसको भी इस तरह से मसाल लेंगे जिस तरह हम सब्जियों को स्मैश कर ली थी, ताकि उस सब्जियों में डाले तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अब हमारा मैश हो गया है। अब इसमें ये जो सब्जियों को हम मैश करके रखी थी इसको वापस इसमें डाल देंगे। सबको एक साथ इस तरह से मिला लेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा बटर और हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर सबको एक साथ इस तरह से मिक्स कर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे एक मिनट तक ढक्कन लगा के हम इस तरह से पका लेंगे। तो वापस हम इसका ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ढक्कन हटाने के बाद लग रहा है कि हमारा भाजी अब रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। तो गरम पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिए। तो पानी ऐड करने के बाद आपको लगे कि थिकनेस कम एंड ज्यादा है, तो इसमें अगर थिकनेस कम है थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर देंगे। जब ये हमारा भाजी ठंडा होगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सब्जी बॉइल कर रहे थे उस वक्त भी नमक डाली थी, इसमें नमक का थोड़ा क्वांटिटी कम ही रखना है। ये देखिए हमारा पाव भाजी रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ा सा बटर और। तो ये देखिए हमारा भाजी रेडी हो गया। आप चाहें तो यही से भी सर्व कर सकते हैं और इससे भी थोड़ा टेस्टी अगर आपको बनाना है भाजी को, तो मैं एक और एडिशनल ट्रिक बताती हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम एक तवा लेंगे। तवा नॉर्मल ही लिए जिसमें हम रोटियां बनाते हैं। थोड़ा सा बटर डालेंगे, बटर को थोड़ा सा इस तरह करके पिघला लेंगे। जैसे ही हमारा बटर पिघल जाए उसके बाद डालेंगे जीरा। ध्यान रहे हम बटर को ज्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो फिर जो हम इसमें मसाला डालेंगे ना तो वो जल जाएगा।
थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, सबको इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए हमारा ये जो जीरा और मसाला था भुन गया है। अब इसमें हम इस तरह से एक चम्मच या एक कलछुल भाजी डाल देंगे। जब आपको खाना हो तो इस तरह भाजी बना कर रख लीजिए और गर्मा गर्म इस तरह बना करके सब्जी भी स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर भाजी का थिकनेस ज्यादा या कम लगे तो फिर जो मैं गर्म पानी की हूँ ना उसको इसमें थोड़ा सा इस तरह से डाल देना है। भाजी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम पाव को सेक लेते हैं। तो पाव को सेकने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बटर डालेंगे और बटर को इस तरह से चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे तावे को, और फिर हम इस तरह से पाव को ये देखिए पाव को हम इस तरह से उलट पलट के सेक लेंगे। तो अब आइए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पाव भाजी बनके रेडी हो गया है। तो आप बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।